अस्सलाम वालेकुम, अनीला सलमान दिस साइड फ्रॉम सिटी स्कूल गुलिस्तान जौहर कैंपस। आज हमारे स्कूल में ओपन डे का इनेकाद हुआ है। ओपन डे किसी भी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को शो करते हैं। इट डिफाइंस आर वेज ऑफ टीचिंग सिस्टम, आर स्कूल, आर कल्चर। हमें डिफाइन करता है ओपन डे। हमारे हर हर एक्ट में, एक्टिविटी में, बच्चों की परफॉर्मेंस में ये पता चलता है कि बच्चों की तरबियत कैसी हो रही है, उनकी तालीम कैसी हो रही है और वो कितना सीख रहे हैं जिसको वो आगे आके परफॉर्म करें। आपको बच्चों के बात करने से, बच्चों के पार्टिसिपेशन से, इस प्रोग्राम से एक बहुत बड़ी एक वाइब मिलती है कि आपका स्कूल कैसा है, क्या वहाँ पर आपको अपने बच्चे को दाखिल कराना चाहिए तालीम हासिल करने के लिए या नहीं। इसी तरह स्कूल का हमारा जो स्टाफ है उसका इंट्रोडक्शन लगा हुआ है, आपने देखा होगा। वो स्टाफ जो कैसा रिजल्ट दे रहा है वो सारा उसके नाम के साथ लिखा हुआ है। तो स्टाफ की मेहनत को हम एक्नॉलेज करें, बच्चों की मेहनत को एक्नॉलेज करें। और आज हम ये बता रहे हैं सारी जो हमारी लोकेलिटी है ये वाली, इसको, कि इस स्कूल में पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर वो नहीं पढ़े तो वो क्या मिस करें। इसलिए जो यहाँ आज शरीक हुए लोग वो सिर्फ हमारे सिटी स्कूल के पेरेंट्स नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो कि इस कॉलोनी में रहते हैं और उनके बच्चे किसी भी और स्कूल में पढ़ते हैं, ताकि वो आएँ और यहाँ बच्चों को जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं उनको देखें और वो ये सोचें क्या उनके बच्चे के पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ वो पढ़ रहे हैं। तो एक कंपैरिजन मार्केट में ज़रूर होना चाहिए जिसको एक पेरेंट देख के वे कर सके कि वो अपने बच्चे को कैसी तालीम दे रहा है और कैसी देनी चाहिए। अच्छा, आपने बच्चों को टारगेट दिया है कि आप वो क्या वो बनाए हैं, उनके प्रोजेक्ट को किस तरह का काम हुआ? जी, बच्चों ने साइंस के, मैथ्स के, फिज़िक्स के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और ये प्रोजेक्ट्स उनकी जो डेली तालीम है उसका हिस्सा है। बस उन्होंने एक उसको नेक्स्ट लेवल पर ले गए उसको, और उन्होंने उसके अंदर जो मेहनत की है, जो रिसर्च की है, वो उनकी अपनी है, किसी टीचर की नहीं है। बच्चों के हाथ के बने हुए आप देखेंगे जो गेम्स उन्होंने बनाई हैं, जो प्रोजेक्ट्स उनके हैं, जो उन्होंने एक एसी बनाया है, किसी ने वैक्यूम क्लीनर बनाया है, ये सारी बच्चों की जो इन्वेंशंस मैं कहूँगी, बेशक ये पहले से इन्वेंटेड है, बच्चे को तो नहीं पता कैसे इन्वेंट हुई थी, ये उसकी खुद की क्रिएशन है। सो बच्चों ने बहुत शौक़ से इसमें हिस्सा लिया है और वो बहुत खुश हैं कि उनका जो ये प्रोजेक्ट है वो आज सब लोग देखेंगे समेत उनके पेरेंट्स के। अच्छा,